हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रिजवान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आर लैंग्वेज स्कूल। दोस्तों, अब तक मैं आप सभी के साथ मोटिवेशन की चीज़ें शेयर करता था। मैं आप लोगों को बताता था कि आप स्पेनिश घर बैठे कैसे सीख सकते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी खबरें होती थी मेरे साथ, लेकिन अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो चूंकि हम लोग एक परिवार हैं, तो मेरे साथ जो समस्याएं आ रही हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। देखिए, जब मैं स्पेनिश सीखना शुरू कर रहा था, मेरे साथ समस्या ये थी कि मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे मेरे पास में, और फैमिली सपोर्ट बिल्कुल नहीं था कि वो लोग मुझे इतना पैसा नहीं दे सकते थे कि मैं दिल्ली जाऊं पहले और वहां अपने लिए किराए की जगह ढूंढूं, फिर खाना पीने का हिसाब किताब। फिर मैंने वहां के इंस्टीट्यूट, जो कि अच्छे इंस्टीट्यूट माने जाते हैं दिल्ली के, मैंने उन सभी इंस्टीट्यूट की फ़ीस देखी, कंपेयर किया। तो एक यही चीज़ पता चली कि वो लेवल, एक एक लेवल का कम से कम 25 से 50 हज़ार रुपये या 15 से 50 हज़ार रुपये, इस तरह का वहाँ पे फीस थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 15 हज़ार रुपये इसके दूंगा और फिर उसके बाद मैं हर महीने 5 से 10 हज़ार जो भी मिनिमम दे के सीखूंगा, तो कुल मिला के बजट बन रहा था कि साल भर का कम से कम 2-3 लाख रुपये का बजट बन रहा था, या लाख तो मिनिमम बन ही रहा था। तो इतना भी बजट मेरे पास नहीं था, तो मैंने घर पे ही सीखना शुरू किया। और फिर इसके बाद जब मैंने स्पेनिश सीखी, मैंने डेली एग्ज़ाम क्लियर किए, तो मैंने सोचा कि भारत में ना जाने कितने लोग होंगे जिनके पास यही समस्या होगी, जो किसी दूसरे शहर ना जा पाते होंगे और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा। तो फॉरेन लैंग्वेज तो छोड़िए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हमारे शहर में जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, इंग्लिश सीखने के लिए फ़ीस वो लोग 10 से 15 हज़ार रुपये लेते थे। तो मैंने स्पेनिश को जो जितना हो सकता था मैंने उतने कम लेवल पे, जो कि हमारा बिगनर बैच है वो 10 हज़ार है, उसमें डिस्काउंट मिल जाके करीब 9 हज़ार पड़ जाता था। हर बैच में 1-1 हज़ार रुपये डिस्काउंट भी मैं दिलवा देता था एप्लीकेशन की तरफ से। ये मैंने एप्लीकेशन बनाया और एप्लीकेशन को भी मैंने जितना हो सके सस्ता करने की कोशिश करी, लेकिन अभी गूगल ने एक समस्या पैदा कर दी है। हमारी जितनी भी एडटेक एप्लीकेशंस हैं, गूगल कह रहा है कि हमको अपनी इनकम का 30% दो। अगर इसका मतलब ये समझिए कि अगर आप मेरा एप्लीकेशन से कोई कोर्स 10 हज़ार रुपये का परचेस कर रहे हैं, तो गूगल कह रहा है कि हमको 3 हज़ार रुपये दो। और फिर जिनसे हमने एप्लीकेशन बनवाई है, जो हमारा टाई अप है, उनको भी हमें कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि आधे से ज़्यादा इनकम मैं जब दूसरे किसी को दे दूंगा, तो फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या चार्ज करूंगा, बहुत महंगा, ये बड़ा मुश्किल हमारा है। कोर्स अगर आज 10 हज़ार रुपये का है, अगर मान के चलो कि 30% अगर गूगल ले रहा है और 10% 15% एप्लीकेशन अगर ले रहा है, तो यही 10 हज़ार का कोर्स जो है आपको 14 हज़ार या 15 हज़ार का पड़ता है। तो मैंने फिर एप्लीकेशन कंपनी से कहा इतना तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि आपका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से स्पेनिश सीखते हैं, एक एक वीडियो को कई बार देख सकते हैं, सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्विज कर सकते हैं उसमें, तो बहुत अच्छा था। आप फ़ोन लेके कहीं भी जा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको किसी एक इंस्टीट्यूट जाना पड़े। आप घर पे हैं, बाहर हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और आप स्पेनिश सीख सकते हैं घर बैठे। यही इसका नतीजा है कि मेरे एप्लीकेशन पे गांव गांव से लोग जुड़ते हैं, विदेशों से लोग जुड़ते हैं, जो हिंदी माध्यम से विदेशों से इंडिया नहीं आ सकते कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। तो ये मेरा की पॉइंट था, लेकिन अब वही था कि मेरा था कि कम पैसों में एकदम क्वालिटी के साथ एजुकेशन दी जाए, स्पेनिश लोग सीख सकें। नेटिव स्पीकर के साथ भी मैंने इंटरेक्शन करवाई अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो ये समस्या थी दोस्तों कि कोर्स मैं आप सभी के लिए महंगा नहीं करना चाह रहा था, तो इसका सोल्यूशन क्या निकला। हमने एप्लीकेशन से बात करी और एप्लीकेशन ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अब जो भी स्टूडेंट्स आपसे कोर्स खरीदना चाहते थे, पहले था कि आप एप्लीकेशन में डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। अभी दूसरा तरीका है कि आपको मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए एक लिंक दूंगा, APK फाइल दूंगा, वो आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वो जब आप डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। और जो लोग प्ले स्टोर से जाके अगर आप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे बाय नाउ के बजाय इंटरेस्टेड करके आएगा, जो भी हमारे बैचेस होंगे इंटरेस्टेड, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको हमारे व्हाट्सएप पे आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे ही डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं,
और वहाँ पे ही मैं आपको QR कोड शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली मुझे पेमेंट कर देंगे। जैसे ही आप मुझे पेमेंट करेंगे, एप्लीकेशन में आप QR कोड जो आपने स्कैन करके पेमेंट किया है वो जो उसका स्क्रीनशॉट है वो एप्लीकेशन में अपलोड कर देंगे मैसेज पे, और मुझे व्हाट्सएप पे भी कर देंगे, फिर मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ने जो कमीशन है उसमें मुझसे 2% का चार्ज लगाया है, और जो गूगल है उसकी तरफ से जो 10% था वो बना रहेगा 30 के बजाय 10% का। तो अब कुल मिला के जो कोर्स है आपका 10,000 का था उसमें मैं बहुत मिनिमम वृद्धि करूँगा, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी है कि मैं 4-5 हज़ार तो नहीं करूँगा, लेकिन जो भी करूँगा मैं आपको आगे बता दूँगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी कि एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी दुआएं हैं और आपका साथ है इसी तरह बना रहेगा हमारे साथ, तो क्योंकि मैंने करीब 1.5-2 साल हो गया मैंने कोर्स की फ़ीस नहीं बढ़ाई, एकदम फिक्स है, तो मैं आगे भी नहीं चाह रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ, और आप लोग घर बैठे स्पेनिश सीख सकें और अपना करियर स्पेनिश में बना सकें। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अभी आगे आपको मालूम है कि हर महीने मैं 20 तारीख को एक वीडियो बनाता हूँ अपने नए बैच को लॉन्च करने के लिए, तो इस महीने की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी दुआएं अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो लिंक मैं नीचे दूंगा, APK, ठीक है। उसमें अगर आपको आता है कि वो हाँ ऐसा करके, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिनके पास iOS है, Apple है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो क्लास प्लस नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसमें लिखेंगे ORG कोड CFVGO, आप डायरेक्टली वहाँ, उनके लिए नॉर्मल है, लेकिन गूगल वालों ने लफड़ा कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की दुआएं मेरे साथ इसी तरह बनी रहें और हम सब लोग स्पेनिश में अपना करियर इसी तरह से बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, अडियोस, कुदाते मुझो।